हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर रजनीश। आज आप लोगों को इचिंग के बारे में बताएंगे। तो इचिंग को हिंदी में नोचनी भी कहते हैं, खुजली भी कहते हैं। इचिंग क्या है? एक सिम्टम है, एक लक्षण है जो आपके शरीर पर होता है। कहीं खुजली होता है, नोचनी होता है, इसी को इचिंग कहते हैं, इसी को एक्जिमा बोलते हैं। तो इसका ये बहुत सारे रूपों में होता है, जैसे आपको रिंग वर्म है, एक्जिमा है, सोराइसिस है, अर्टिकेरिया प्रॉब्लम है, हल्का दाना होकर के इचिंग होता है। तो ये इचिंग का जो प्रॉब्लम है, इस टाइप का इचिंग का जो प्रॉब्लम होता है, ये बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छा दवा आता है, बहुत ही अच्छा अच्छा दवा जो इचिंग के प्रॉब्लम को बहुत ही बेहतर ढंग से ठीक भी करता है। तो आज हम बस इसके लिए 5 गोल्डन होम्योपैथिक मेडिसिन आप लोगों को बताएंगे जो इचिंग के प्रॉब्लम में, जो खुजली के प्रॉब्लम में बहुत ही बेहतर काम करती है और बहुत ही बेहतर ढंग से काम करती है बिना कोई साइड इफेक्ट के। तो दोस्तों, फर्स्ट मेडिसिन जो है उसको हम सल्फर मेडिसिन हो गया। तो ये सल्फर मेडिसिन को किंग ऑफ इचिंग बोला जाता है, मतलब कि ये हर एक नोचनी में, इचिंग में सल्फर मेडिसिन चलता है। अब सल्फर मेडिसिन का जो दाना होगा, रेड होगा, वहाँ जो इचिंग होगी वो रात में ज़्यादा होती होगी। लेकिन इसे किंग ऑफ इचिंग क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये हर एक तरह की खुजली में भी चलता है, मिलता है। अब देने का तरीका अलग अलग होता है, कोई हाई पोटेंसी भी यूज करते हैं, कोई लो पोटेंसी भी देते हैं, क्योंकि ये कभी कभी इचिंग प्रॉब्लम को बढ़ा भी देता है और बढ़ा करके ठीक करता है। तो लोग घबरा भी जाते हैं कि मेरा इचिंग का प्रॉब्लम बढ़ गया है। तो सल्फर खाने के पहले अगर खाते हैं तो फिजिशियन से राय जरूर ले लें। ऐसे इसका डोज है कि 2 बूंद एक बार यूज करें, लेकिन जरूर लाए, ट्राई लेकर कहीं मेडिसिन को खाएं। दूसरी मेडिसिन है, उस मेडिसिन का नाम है आर्सेनिक। आर्सेनिक अलवा पूरा नाम हुआ। तो आर्सेनिक मेडिसिन भी इचिंग प्रॉब्लम में काम करता है। जैसे आर्सेनिक का जो इचिंग होगा, नोचनी होगा, तो वहाँ जलन भी होगा। तो इस केस में आर्सेनिक मेडिसिन आप दें, वहाँ पर 200 पावर में भी दे सकते हैं, एक टाइम खाएं। लेकिन ये सब कोई भी दवाई खाते हैं तो फिजिशियन से पूछ करके ही दवाई को खाएं, क्योंकि कुछ और भी प्रॉब्लम होता है, उसके वजह से भी खुजली का प्रॉब्लम होता है। तीसरी मेडिसिन है रियोमैक्स। तो ये भी मेडिसिन जो है इचिंग के प्रॉब्लम में बहुत ही बेहतर काम करती है। अब जो लोग बोलते हैं कि हम कपड़ा खोलते हैं उसके बाद मेरे शरीर में नोचनी शुरू हो जाता है, तो उसके लिए बहुत ही बेहतर दवाई है रियोमैक्स। रियोमैक्स आप 30 पावर में लें, 200 पावर में लें, सुबह शाम खा सकते हैं। उसके बाद और भी मेडिसिन एक आता है रस्टक्स। तो ये रस्टक्स मेडिसिन जो है ये भी खुजली में बहुत ही बेहतर काम करते हैं। जैसे दाना है तो लाल 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 दाना है, वहाँ खुजली हो रहा है। ठंड का मौसम को थोड़ा भी उसमें भी अफेक्टेड होता है, ठंड के सीजन में खुजली होती है। तो इस केस में आप रस्टक्स मेडिसिन लें। हाँ, एक रस्टक्स मेडिसिन के बारे में हम बता सकते हैं कि आप रस्टक्स मेडिसिन ऐसा केस है कि ठंड से हल्का लेकर के एलर्जी टाइप का है और उसमें खुजली होता है, तो आप रस्टक्स मेडिसिन 200 पावर में लें, सुबह शाम 2 बूंद खाएं। और ये मेडिसिन है डलका मारा। तो सर्दी के दिनों में अगर खुजली का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है तो आप डलका मारा मेडिसिन खाएं। तो ये सब जो मेडिसिन है ये खुजली के प्रॉब्लम में बहुत ही बेहतर काम करती है। बस खाली सिम्टम को ध्यान दें। लेकिन कुछ मेडिसिन ऐसा भी है कि ऐसा नहीं कि बस आप यूट्यूब के माध्यम से देखें और मेडिसिन को खाने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ मेडिसिन होता है कि यूट्यूब पर भी देख करके आप मेडिसिन को खा सकते हैं, लेकिन सारा मेडिसिन आप यूट्यूब पर देख करके मेडिसिन को माय पॉइंट ऑफ व्यू नहीं खा सकते हैं। अब जैसे इसमें एक मेडिसिन है, ठीक है, रस्टक्स है, कॉमन नोचनी की बात है, तो आप रस्टक्स 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम लें। अब इसी बात पर एक बात और याद आता है, डोलिकस मेडिसिन है। अगर शरीर में बिना दानों के खुजली है तो आप डोलिकस मेडिसिन ले लें, उस मेडिसिन को 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम खाएं। तो कुछ मेडिसिन तो आप देख खा सकते हैं, लेकिन कुछ मेडिसिन को लेने के पहले फिजिशियन का राय सलाह ले लेना जरूर होता है।
तो आज हम आप लोगों को इचिंग के बारे में, इचिंग का जो प्रॉब्लम होता है उसे ठीक करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बतलाएं। तो मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा।